हमने फोटोडायोड किया। फोटोडायोड में क्वेश्चन आता है कि फोटोडायोड को रिवर्स बायसिंग में ही क्यों काम लेके आते हैं, ये फॉरवर्ड में क्यों नहीं काम करता। देखो ऐसा नहीं कि काम नहीं करता, आप फोटोडायोड की फॉरवर्ड बायसिंग कर दो, उसमें बहुत सारा करंट जा रहा होगा मिली एम्पियर में, आप फोटोन को घेरो आपका करंट बढ़ जाएगा। पर फॉरवर्ड बायसिंग में ऑलरेडी अमाउंट ऑफ करंट बहुत ज़्यादा है, फॉरवर्ड करंट आपका थोड़ा बहुत, आप फोटोन घेरने से जो करंट इंक्रीज होगा वो आपको ज़्यादा दिखाई नहीं देगा, तो इसलिए डिटेक्ट करना मुश्किल है। जैसे मान लो, मैं हमेशा एग्जाम्पल देता हूँ, लाखों लोग जा रहे हैं और आप 5-7 लोग भी जाके उसमें ऐड हो जाओ, मैं आपको ढूंढ नहीं पाऊंगा कि वो लाखों लोग की संख्या बढ़ गई, 4-5 लोगों से क्या फर्क पड़ता है। पर अगर जाई 4-5 लोग रहे हैं और 4-5 आप भी चले गए, तो मैं कहूंगा लोग डबल हो गए, तो मुझे डिटेक्ट करना ईजी होगा। तो रिवर्स बायसिंग में इसलिए किया जाता है क्योंकि मेरे को करंट को देखना है कितना करंट बढ़ा। पहले तो ना मात्र करंट था, ना के बराबर था, रिवर्स बायसिंग में फोटोन गिरने से करंट बढ़ गया, तो मुझे डिटेक्ट करना ईजी है, इसलिए इसको रिवर्स बायसिंग में यूज करते हैं। ये तो है थ्योरेटिकल तरीका बताने का। मैथमेटिकल सेम चीज को ऐसे बताया जाता है कि मान लो आप एक एन टाइप सेमीकंडक्टर लो, एन टाइप सेमीकंडक्टर में एन जो है नंबर ऑफ जो इलेक्ट्रॉन्स है वो होल से बहुत बहुत ज्यादा है, ठीक। उसके बाद जब इल्यूमिनेटेड बाय लाइट, बोथ टाइप ऑफ कैरियर इंक्रीजेस इक्वली नंबर, जब फोटोन गिरेंगे उसने मान लो 10 इलेक्ट्रॉन को जनरेट किया तो 10 होल भी जनरेट होंगे, तो डेल्टा पी और डेल्टा एन क्या होंगे, बराबर होगा। तो जब फोटोन गिरेंगे तो इलेक्ट्रॉन भी रिलीज होंगे, होल भी रिलीज होंगे, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड होल्स एकदम सेम होंगे, लेकिन ओरिजिनली एन बड़ा है पी से। तो अगर आप इन्हें डिवाइड करें, डेल्टा एन और डेल्टा पी को एन और पी से डिवाइड करें, तो ये फ्रैक्शन फ्रैक्शन है किसका, फ्रैक्शनल इंक्रीज है इलेक्ट्रॉन्स का, और ये फ्रैक्शनल इंक्रीज है होल्स का, क्योंकि पी बहुत छोटा था एन से, तो न्यूमिनेटर तो बराबर है, पी बहुत छोटा है तो इसकी फ्रैक्शन काफ़ी बड़ी आएगी। तो होल्स जो कि माइनॉरिटी कैरियर हैं उनका चेंज ज़्यादा दिखाई दे रहा है एज़ कम्पेयर टू मेजोरिटी कैरियर, और मैं भी ये चाहता था कि माइनॉरिटी का चेंज ज़्यादा दिखाई दे, तो इसलिए हम इसको किस में यूज़ करते हैं, रिवर्स बायसिंग।